नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत के भूगोल की चर्चा की थी, जिसमें हमने भारत के भौतिक विभाग के बारे में पढ़ा था और उस भौतिक विभाग में हमने पहला टॉपिक चूज किया था हिमालय। हिमालय में हमने काराकोरम के बारे में पढ़ा था, मतलब ट्रांस हिमालय के पहले भाग काराकोरम के बारे में हमने पढ़ लिया है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है, उसमें आप जो है छत्तीसगढ़ एग्जाम में जो भी, मतलब छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही उसमें फ्री स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल है, तो जरूर एक बार चेकआउट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसका सेकेंड, मतलब जो चोटी है उसके बारे में, जो श्रृंखला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय में जो है पहला जो हमने पढ़ा था काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है कैलाश। ठीक है, तो ये चार है। तो लद्दाख जो है ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है और ये जम्मू कश्मीर के एकदम बीचों बीच है, मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक इसका विस्तार है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये बोर्ड है इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला क्षेत्र और दक्षिण पूर्व मतलब ये वाला क्षेत्र। तो मैंने पिछले वीडियो में इसका मैप बना करके बताया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है। इसमें राकापोसी और हारामोसा नामक दो जो चोटियां हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये इसका जो अधिकांश जो भाग है, क्योंकि ये ऊंचाई में है इसलिए यहाँ पर जो है इसका अधिकांश जो भाग है वो हिमाच्छादित रहता है। जैसे कि काराकोरम में अधिकांश जो है ग्लेशियर जो है उसमें पाए जाते हैं, तो वैसे ही इसमें भी हिमाच्छादित रहता है। ठीक है, लद्दाख श्रृंखला में इसमें कई ऐसे मनोरम प्राकृतिक झीलें हैं और कई ऐसे दर्रे हैं जो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो झीलें और जो दर्रे हैं उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसकी विशेषताओं में हम यही जानेंगे कि इसमें अनेक झीलें पाई जाती हैं, यह अधिकांश हिमाच्छादित है और इसमें कई मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जास्कर श्रेणी। ये जो है लद्दाख के दक्षिण में अवस्थित है। इसका भी विस्तार सेम उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक है। ठीक है, जास्कर श्रेणी की जो औसत हाइट है वो 5000 से 5500 मीटर है। ठीक है, इसका जो अग्र विस्तार हुआ है वो देवसई पर्वत के रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि देवसई पर्वत किसका अग्र विस्तार है, तो ये जास्कर श्रेणी का अग्र विस्तार है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी जो है 5500 से 6000 मीटर इसका एवरेज हाइट है। इसमें जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट कैलाश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि माउंट कैलाश जो है जिसकी हाइट है 6714 मीटर। इसके बाद इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी कैलाश के उत्तरी छोर में मानसरोवर झील से उद्गम होता है उसका। तो ये आपको याद रखना है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी और ये मतलब इसका जो है मानसरोवर झील में होता है। और इसके साथ ही दो और अन्य नदियों का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के पास से ही होता है, जिनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो दो और कौन सी नदियां हैं जो उसके आसपास से ही उद्गमित होती हैं। ठीक है, जो कैलाश श्रेणी है इसका जो अधिकांश भाग है वो तिब्बत में है। 30% भाग ही जो है भारत में है और जो 70% जो भाग है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में है। अब हम देखेंगे कि जो हिमालय है उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। तो हिमालय जो है तीन समांतर श्रेणियों में इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। महान हिमालय यानी कि उसको महान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही सर्वोच्च जो जितनी भी श्रृंखलाएं हैं वो इसी महान हिमालय में पाई जाती हैं। उसके बाद जो मध्य वाला है क्योंकि वो बीच में है तीनों में इसलिए उसको मध्य कहते हैं, और लघु इसलिए कहते हैं उसको मध्य हिमालय को क्योंकि वो महान हिमालय से छोटा है। इसके बाद जो नीचे है वो शिवालिक हिमालय है, वो जो है एक प्रकार से अपर्दित जो मलबा है उससे बना हुआ है, वो फोल्डेड माउंटेन नहीं है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसमें आप देख लेंगे। तो ये महान, मध्य और लघु तीन भाग से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद जो है हम देखेंगे महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय जो है
सबसे मतलब सर्वाधिक सर्वोच्च यानी कि ऊंची श्रृंखला है। इसमें केटू गाडविन अस्टिन को छोड़ करके विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उनमें 92 चोटियां इसी में आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 92 लगभग जो चोटियां हैं जो ऊंची हैं वो महान हिमालय में पाई जाती है। और इसमें जो इसकी चौड़ाई है वो 150 से 600 किलोमीटर तक है और जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है। ठीक है, इसका जो उत्तरी ढाल है, उत्तरी ढाल मतलब जो ऊपर वाला एरिया है वो मंद है और दक्षिणी ढाल जो है खड़ा हुआ है। इसलिए जब कभी भी पर्वतारोही जो है चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो मंद ढाल से जो है चढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो नेपाल वाला जो एरिया है वहां से चढ़ाई करना आसान होता है, इसलिए हिमालय में जो भी पर्वतारोहण करते हैं वो नेपाल के थ्रू जा करके हिमालय में चढ़ते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ जो चट्टाने जो पाई जाती है मुख्य रूप से जो अवसादी प्रकृति की होती हैं या परतनुमा या परतदार चट्टाने पाई जाती हैं, परंतु ये समय काल के कारण जो है यहाँ पर जो है चट्टानों में भी रूपांतरण हुआ है और रूपांतरित चट्टाने भी यहाँ पाई जाती हैं। चट्टान को मुख्यतः तीन भाग में क्लासिफाई किया जाता है जिसको हम देख लेते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी, तीसरा है रूपांतरित। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, जैसे ज्वालामुखी से उद्गार होता है तो उससे जो मैग्मा निकलता है या लावा या मलवा जो भी निकलता है वो जो है ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो है आग्नेय चट्टान बनता है जिसको इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान का निर्माण जो है जो जैसे कि एक माध्यम है वायु, जल या कोई भी ऐसा माध्यम जो मूवमेंट करता है, जो कण है या जो भी चीजें है मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो उस प्रकार से लेयर बाय लेयर ये जमते जाते हैं अवसादी चट्टान, तो ये होता है अवसाद। तो थर्ड वाला है रूपांतरित, जिसमें ये जो ऊपर के दोनों जो चट्टान है, जो एक आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान, इनमें अगर ताप दाब मौसम जलवायु इनका प्रभाव पड़ता है तो इनके भौतिक रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उससे जो है ये रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। आग्नेय को इग्नियस रॉक कहा जाता है, अवसादी को सेडिमेंटरी रॉक। आग्नेय चट्टान बहुत कठोर होती है, ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि ये डायरेक्ट मैग्मा से बनता है, और अवसादी चट्टान में जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनता है, तो इनके बीच लेयर में जीवाश्म पाए जाते हैं जो मतलब जो पेट्रोलियम वगैरह है वो इसी से मिलते हैं। ठीक है, थर्ड है रूपांतरित, रूपांतरित में क्या होता है ये ताप दाब और भौतिक परिवर्तन से बनते हैं। ठीक है, तो ये चट्टान का कुछ बेसिक चीज था। अब जो माउंट जो एवरेस्ट है ये महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो इसका हाइट आपको बताना है, एकदम इजी है, कमेंट बॉक्स में। कंचनजंगा जो है भारत की द्वितीय जो सर्वोच्च चोटी है वो भी इसी महान हिमालय में पाई जाती है और ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जो भाग है महान हिमालय का वो है नंगा पर्वत, जिसकी 8126 मीटर इसकी हाइट है। ये जो महान हिमालय है चूंकि ये सबसे ऊंचा है इसलिए ये जो है प्रमुख जल विभाजक के रूप में भी देखा जाता है। जल विभाजक का मतलब ये है और साथ में जलवायु विभाजक भी है। ठीक है, रूस की साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको रोकता है, साथ में जो इससे निकलने वाली जो नदियां हैं वो जल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसके अवस्थिति के कारण ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्य हिमालय जो बीच वाला है, हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय इसको कहते हैं। निम्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महान हिमालय से छोटा है। इसकी जो औसत हाइट है वो है 2800 से 3500 मीटर। उत्तरी ढाल इसमें उत्तरी जो ढलान है उसमें सघन वनस्पति पाई जाती है। चूंकि इसमें हाइट कम है इसलिए ये जो है जैव विविधता के दृष्टिकोण से और वो भी इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो संपन्न है। दक्षिणी क्षेत्र जो है इसका भी सेम खड़ी ढाल वाला है तो वहां पर जो है जैव विविधता कम पाई जाती है। ठीक है, साथ में जो मध्य हिमालय है इसमें अधिकांश जो क्षेत्र हैं इसके वो कश्मीर वाले क्षेत्र में ज्यादा है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, सोलन, रानीखेत, ये सब जो घाटियां हैं ये जो है मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम इसमें इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।